यूट्यूब लाइव स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब के अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी फॉलोइंग से, अपने ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए, थोड़ा सा उनके बारे में जानने के लिए, थोड़ा सा अपने बारे में उनको बताने के लिए, और ओवरऑल ये एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करता है कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए, स्ट्रीमर्स के लिए और साथ में उनकी ऑडियंस के लिए भी। और अक्सर हम लोग स्ट्रीम्स पे देखते हैं कि एक एनिमेशन फ्लैश होता रहता है, एक पॉपअप फ्लैश होता रहता है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के जो स्ट्रीमर का जो हैंडल है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, वो लगातार शो होता रहता है एनिमेशन के ज़रिए एक। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रीम में या अपनी वीडियोज़ में ये सोशल मीडिया एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और ये एनिमेशन ऐसा भी हो सकता है जैसा अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर चलता है, अक्सर हमारी वीडियोज़ में चलता है, या जो वीडियो की एक साइड में आपको दिखाई दे रहा चलता हुआ, वो सैम्पल है, उससे देखकर घबराइएगा मत कि इतना ख़राब सा आएगा, आप जैसे चाहें उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। और ये जो सोशल मीडिया पॉपअप्स हैं, इनको डाउनलोड करने के लिए हम लोग एक बहुत ही फेमस वेबसाइट पे जाने वाले हैं जो कि है nerdordie.com। तो खोलते हैं वेब ब्राउज़र और यहाँ पे मैंने एक टैब बनाया हुआ है, उस टैब से मैं ये वेबसाइट खोलूँगा, ये पर्टिकुलर पेज। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पॉज करके और देख लेना है कि URL क्या है। URL है nerdordie.com/product/social-media-popup-v2। और ऐसा हम लोगों को इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि YouTube बहुत ही रैंडमली चूज़ करता है और बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जब भी हम लोग एक लिंक शेयर करते हैं किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अगर वो उनके हिसाब से वो सेफ़ नहीं है या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सीधे हम लोगों को चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है। तो इस वजह से हम लोग लिंक अक्सर शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें और ये जो एड्रेस है इसको ऐसा कैसे टाइप कर लें एंड यू विल लैंड ऑन दिस पेज। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना है। क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट और नेक्स्ट जो पेज खुलने वाला है चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोगों को पूरे डिटेल देने हैं। अगर यहाँ पे nerdordie पे आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपल अपना जीमेल डाल के और रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से अपने जो डिटेल्स हैं उनको फिल इन करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके जब हम प्लेस ऑर्डर करेंगे तो एक पैकेज अपने आप डाउनलोड होगा। ओके, तो वेबसाइट पे सारे डिटेल्स हम लोगों ने फिलअप कर दिए हैं। हम लोग एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स और कंडीशंस और क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पे। नेक्स्ट पेज जो आएगा उस पे हम लोगों को एक रेड कलर का बटन मिलेगा डाउनलोड का, और उससे एक जिप फाइल डाउनलोड होगी और इस जिप फाइल को ही हम लोग फिर कन्फिगर करेंगे बाद में। तो विद इन नो सेकेंड आई थिंक, ओके, तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। हम लोग खोलते हैं अपना डाउनलोड्स वाला फोल्डर और यहाँ पर चेकआउट करते हैं इसको। ये फोल्डर है और मैं आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए इसको कट करके यहाँ से और डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, सो दैट हम लोग देख पाएँ इसको ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा अभी, एक्सट्रैक्ट हियर, और जो नया फोल्डर हमारे सामने बन के आ रहा है इसमें हम लोगों को एक पेज खोलना है, readme.html है। तो ये पेज जो हमारे सामने आ गया है, इस पेज पर हम लोग पूरा कन्फिगर करेंगे कि कैसे ये सोशल मीडिया पॉपअप्स जो हैं वो शो होने वाले हैं हमारी स्ट्रीम पर। तो फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर फेसबुक और इंस्टा, और जो भी आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पे आइकन शीट प्रीव्यू यहाँ पे आ गया है। इनकेस अगर कोई ऐसा आइकन है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल डिस्कॉर्ड का आइकन है, तो आप चाहें तो डिस्कॉर्ड का लोगो एक PNG फाइल डाउनलोड करके और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड इमेजेस का बटन है, अगर आपको अब दिखाई दे रहा होगा शायद, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। अब मेरे को होना है थोड़ा सा दूसरी तरफ, जिससे कि आप जो बचे हुए जो डिटेल्स हैं उनको चेक कर पाएँ एक बार जल्दी से। तो अब आप जो लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हैं उसमें यहाँ पे आपको फेसबुक का अपना हैंडल लिखना है, जो भी फेसबुक का हैंडल है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर फ़िलहाल ABC और यही मैं एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ इंस्टा में ABC। आप चाहें तो जो भी आपका एड्रेस हो वो डाल सकते हैं। रिमूव करना चाहें इनको तो यहाँ से इस बटन को दबा के रिमूव कर सकते हैं। इतना डालने के बाद आपको एक इमेज डाउनलोड करनी है और साथ में एक सेटिंग्स डाउनलोड करनी है। क्लिक करते हैं इमेज और फिर क्लिक करते हैं डाउनलोड सेटिंग्स। तो ये दो फाइल्स हमारे पास डाउनलोड हो गई हैं। अगर इस तरह की कोई वार्निंग आती है तो इसको कीप कर लेंगे, सिंपल जावा, ये एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट फाइल है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि ये दोनों ही फाइल जो डाउनलोड हुई हैं, हम लोगों को चलना पड़ेगा दोबारा से हमारे जो डाउनलोड वाला फोल्डर है उसमें, और डाउनलोड्स में जाके इन दोनों फाइल्स को, एक ये है आइकन शीट और एक ये है डाटा वैल्यूज़, इन दोनों को यहाँ से हम लोग कट करेंगे। और कट करने के बाद हम लोगों को उसी फोल्डर में दोबारा से कॉपी करना है जहाँ पे हम लोग आए हैं।
सोशल मीडिया में, यहाँ है पॉपअप फाइल्स का फोल्डर, इसमें जाइए और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर है सेटिंग्स एंड इमेजेस, यहाँ पे आके आपको इन दोनों को पेस्ट करना है। तो एक एक जो स्टेप है हमारा कॉन्फ़िगरेशन का वो पूरा आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप पे, खोलते हैं दोबारा से वही वेब पेज और आप इसी वेब पेज पे ऊपर देखिए दूसरा एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज अपीयरेंस एंड टाइमिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग इस एनिमेशन को एक तरीके से ट्वीक करेंगे कि किस हमको टाइम वैल्यूज़ क्या चाहिए और किस तरह का एनिमेशन चाहिए। तो क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर जो पेज खुलने वाला है और यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला है पॉज टाइम। पॉज टाइम का मतलब यह है कि हमारा जो एक सोशल मीडिया हैंडल है फॉर एग्जांपल फेसबुक है, वो कितनी देर के लिए स्क्रीन पे शो होगा, कितने सेकंड्स के लिए स्क्रीन पे शो होगा और उसके बाद इंस्टाग्राम वाला जो हमारा हैंडल है फिर वो शो होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू 6 ही रहने देते हैं तो 6 सेकंड के लिए आपका जो फेसबुक का हैंडल है वो शो होगा उसका एनिमेशन और उसके बाद फिर 6 सेकंड के लिए इंस्टाग्राम का होगा। तो यहाँ पे मैं इसको मान लीजिए कर लेता हूँ फिलहाल 4 सेकंड और इन बिटवीन पॉज टाइम आपको ये बताता है कि एक पूरा एनिमेशन हो जाने के बाद, मान लीजिए आपने 5 ट्विटर हैंडल्स या 5 अपने हैंडल्स या 4 सोशल मीडिया हैंडल्स चुने हैं, मान लीजिए आपने फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिया है फेसबुक और इंस्टा का, आप मान लीजिए लेते हैं फेसबुक, इंस्टा, डिस्कॉर्ड और मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट ले लेते हैं। तो ये जो चारों हैंडल्स हैं ये एक बार सभी का एनिमेशन होने के बाद कितनी देर बाद ये एनिमेशन दोबारा शो होगा, तो यहाँ पे सेकंड्स में आप डाल सकते हैं कि 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, जो भी आप ठीक समझे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ मान लीजिए 10 सेकंड कि एक बार एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड बाद वो दोबारा से आना शुरू हो जाए। इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर, तो यहाँ पे आपको आइकन बॉक्स का कलर चेंज करना है। ये जो आइकन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है, इसका कलर आप यहां से चेंज कर सकते हैं चाहे तो। यहां से टेक्स्ट बॉक्स का कलर, ये जो आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल चेंज कलर और इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लू करके देखते हैं। ओके, ठीक सा लग रहा है, हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सेंस नहीं है। इधर आइकन कलर, आइकन कलर आप चाहें तो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप ट्रांसपेरेंसी इसकी बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो करने से होगा ये कि जो आपके आइकन का डिफ़ॉल्ट कलर है, मतलब जैसा फेसबुक का आइकन आता है, जैसा इंस्टाग्राम का आइकन आता है, लोगो आता है, बिल्कुल वैसे ही वो अपने नेटिव कलर्स में शो होगा। और आपका मन है अगर किसी खास तरह के कलर में शो करने का तो यहाँ पे आप इसको जो ओपेसिटी है इसको पूरा कर लीजिए और कोई पर्टिकुलर जो भी कलर चाहें आप चूज़ कर लीजिए। तो फिलहाल तो मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैं इसको छोड़ता हूँ। इसको यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर भी मेरे को तो ये ठीक ही लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है मतलब, तो मैं इसको छेड़छाड़ अभी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप चाहें तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं ओपन, और ये सारे फॉन्ट्स हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है। मेरे को एक एक फॉन्ट है प्ले, मेरे को बहुत पसंद है, तो टाइप करके देखते हैं प्ले, और ये थोड़ा सा आपने चेंज देखा, ये चेंज हो गया। तो मान लीजिए ये हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट वेट, जैसे जैसे आप फॉन्ट वेट इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड होता जाएगा, थोड़ा सा भारी होता जाएगा, लेकिन फ़िलहाल देखने में एकदम परफेक्ट लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी अगर वैल्यू बढ़ा के 600 कर देता हूँ तो आप देखिए कि थोड़ा सा बोल्ड हो गया है फॉन्ट, तो इसको फ़िलहाल 400 ही रहने देते हैं, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो ये भी मेरे को 40 ही बेस्ट लग रहा है, आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो ऑफसेट है, आपको कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसा फॉन्ट चूज़ करेंगे तो वो इस बॉक्स में बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, तो उसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप उसको ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको करते हैं ज़ीरो, और इसको ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको डाउनलोड। क्लिक करते हैं डाउनलोड पे और एक जावास्क्रिप्ट फाइल और डाउनलोड हो जाएगी। क्लिक करते हैं और अभी ये भी जो जावास्क्रिप्ट फाइल हमारी जो डाउनलोड हुई है डाउनलोड फोल्डर में होगी, इसको हम लोग वहाँ से कट करेंगे और उसी सेटिंग्स एंड इमेजेस वाले फोल्डर में जाके इसको पेस्ट करते हैं। तो फटाफट से ओपन करते हैं डाउनलोड्स वाला फोल्डर, ये सेटिंग्स वाली फाइल आ गई है, कट करते हैं इसको यहाँ पर, और अपनी जो सेटिंग्स एंड इमेजेस वाला जो फोल्डर था जहाँ पर हम लोगों ने पहले 2 फाइल्स पेस्ट की थी, यहाँ पर उसको पेस्ट करते हैं। ओके, तो इट इज़ डन। हम लोगों को केवल इतना करना है, अब हमारे काम की फाइल्स जो हैं बाहर आएँ अगर, तो ये 2 फाइल्स हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों फाइल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चलते हैं अपने OBS में और कन्फिगर करते हैं और देखते हैं कि ये एनिमेशन कैसा लग रहा है। आ गए हैं भाई लोग OBS के इंटरफेस पे। हम लोग यहाँ पे एक सोर्स ऐड करेंगे, क्लिक करते हैं प्लस के साइन पे और ऐड करते हैं ब्राउज़र सोर्स।
जो चाहे आप नाम रख सकते हैं, आपको पता है कि मैं हमेशा ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो मैं छोड़ रहा हूँ। आप चाहे तो सोशल मीडिया एनिमेशन या सोशल मीडिया पॉपअप ऐसा कोई नाम रख सकते हैं। क्लिक करते हैं ओके। और यहाँ पे हम लोगों को एक लोकल फाइल चाहिए, और ये लोकल फाइल होगी उन्हीं दो फाइल्स में से एक जो मैं अभी आपको बता रहा था कि उन्हीं दो फाइल्स का हम लोगों को काम रहेगा। तो ब्राउज़ करते हैं, पहुँचते हैं वहाँ तक। डेस्कटॉप पर जो फोल्डर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें पॉपअप फाइल्स में ये दो फाइल्स हैं, एक लेफ़्ट वाला और एक राइट वाला। तो पहले मैं आपको राइट वाला चूज़ करके दिखाता हूँ, और मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा होगा जस्ट बिकॉज़ कि हम लोगों ने नाम /abc रखा था, तो काफ़ी छोटा सा होने वाला है। ओपन करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट लेता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा कम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से। और ये आप देखिए कि ये जो सोशल मीडिया एनिमेशन है, जो पॉपअप है, ये आपको शो होना शुरू हो गया है। तो ये 5-5 सेकंड के लिए शायद शो होंगे, मेरे ख्याल से 5 सेकंड या 6 सेकंड हम लोगों ने 4 सेकंड टाइम रखा था। और अब ये दोबारा री अपीयर होगा 10 सेकंड के बाद, यही एनिमेशन हम लोगों को दोबारा शो होने वाला है। तो वही जो ड्यूरेशन हम लोगों ने डाली थी बिल्कुल उसी के हिसाब से। और इसी को चाहें तो अगर हम लोग फाइल चेंज करते हैं तो यही जो एनिमेशन आपकी स्क्रीन पे राइट से स्लाइड इन हो रहा है और राइट में ही वापस जा रहा है, वो लेफ़्ट से स्लाइड इन होगा। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे मैं फाइल चेंज कर देता हूँ, फाइल कर देता हूँ लेफ़्ट से, ओपन ओके। और अब आप देखेंगे कि ये चीज़ लेफ़्ट से स्लाइड इन हो रही है और फिर पूरी होने के बाद लेफ़्ट में ही आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं हमारी हर एक वीडियो में जो सोशल मीडिया एनिमेशन ऊपर भी फिलहाल आप देख रहे होंगे पॉपअप चल रहा है, तो वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हैं, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो भाई लोग, ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी एक नई वीडियो आएगी वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।